बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही बड़ा नाम हासिल करने वाला खिलाड़ी यानी कि भारत का इरफान पठान। दोस्तों इरफान पठान भारत के एक अभिन्न प्लेयर थे जो कि टीम का रेगुलर हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों पता नहीं इस खिलाड़ी को किसकी नजर लग गई और देखते ही देखते इस खिलाड़ी का करियर खत्म हो गया। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इरफान पठान ने अपने करियर की बर्बादी की वजह किसको बताया है और इस वीडियो में उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहे। तो दोस्तों ज्यादातर लोग यही बात करते हैं कि इरफान पठान का जो करियर खत्म हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो ग्रेग चैपल थे, क्योंकि ग्रेग चैपल ने दोस्तों इरफान पठान को 3 नंबर पे बल्लेबाजी करवाई और दोस्तों इरफान पठान ऑलराउंडर बनने की चाहत में अपनी गेंदबाजी भी भूलते गए और देखते ही देखते उनका करियर हो गया बर्बाद। फिर यहाँ पर इरफान पठान का एक इंटरव्यू होता है दोस्तों, और उस इंटरव्यू में इरफान पठान से पूछा जाता है कि क्या कोच ग्रेग चैपल की वजह से आपके करियर का ऐसा अंत आया, क्या उनकी वजह से आपका करियर इस तरह से खत्म हुआ। तो दोस्तों इरफान पठान ने उसमें जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, ग्रेग चैपल की वजह से मेरा करियर खत्म नहीं हुआ, बल्कि दोस्तों उन्होंने बताया कि मुझे 3 नंबर पे बल्लेबाजी कराने का फैसला कोच ग्रेग चैपल का नहीं था बल्कि सचिन तेंदुलकर का था। दोस्तों सचिन तेंदुलकर के बारे में बताया इरफान ने कि सचिन तेंदुलकर चाहते थे कि मैं 3 नंबर पे बल्लेबाजी करूं, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि काफी लोग मेरे बारे में यह बात करते हैं कि इरफान पठान का करियर जो है वो ग्रेग चैपल की वजह से खत्म हुआ, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ग्रेग चैपल की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, यह फैसला सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर का था कि मैं 3 नंबर पे बल्लेबाजी करूं। हालांकि दोस्तों मैं सचिन पाजी को भी इसके लिए कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो उस वक्त उनकी जगह पे सही थे, हालांकि मैं ही अपनी बल्लेबाजी पे कुछ ज्यादा ध्यान देने लगा था जिसकी वजह से मेरी गेंदबाजी पे असर पड़ने लगा और धीरे धीरे देखते देखते मेरा करियर खत्म हो गया। दोस्तों हम आपको बता दें कि इरफान पठान भारतीय टीम के 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें सबसे अच्छे खिलाड़ी उभर के सामने आए थे। तो कुछ इस प्रकार से इंटरव्यू के दौरान इरफान पठान ने अपने करियर खत्म होने की दास्तां सुनाई। दोस्तों अब आप लोग अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रियाएं दें कि इरफान पठान के करियर के बर्बाद होने की वजह क्या हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।